दोस्तों, आपका मेडिकल गुरु जी के एक फ्रेश वीडियो में मेरा नाम है नीरव। एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में बहुत टाइप्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो बॉडी में क्या है, हम तो बाहर से तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ले नहीं रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप शांति से बैठे हो, कोई आपको स्विच बोलता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगी जो ट्रांसमिट होती है ब्रेन तक। वहां से करेक्टिव एक्शन वाली सिग्नल आती है, जिससे आप कोई करेक्टिव एक्शन लेते हो। मान लीजिए आप हवा से हाथ हटा लोगे या कोई और एक्शन लोगे। लेकिन ये सारी चीज पॉसिबल होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से। लेकिन वो जनरेट कैसे होता है, हम बाहर से कोई भी सप्लाई नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, यही वीडियो में हम जानने वाले हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स है वही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के लिए। लेकिन अकेले न्यूरॉन का ये काम नहीं है। न्यूरॉन के अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये जो न्यूरॉन है वो क्या है, एक सेल समझ लीजिए या एक गुब्बारे जैसा कोई एटम समझ लीजिए, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके अंदर पोटेशियम होता है और उसके बाहर सोडियम होता है। अब जब वो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ना तो पोटेशियम बाहर जा सकता है ना ही सोडियम अंदर आ सकता है। तो वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज अंदर है उतना बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तब वहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये जो न्यूरॉन है वो कब कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब दोस्तों, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। वॉइस भी उसका रीजन है, साउंड, प्रेशर, टेम्परेचर और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो न्यूरॉन को एक्साइटेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई आपको स्विच बोता है तो वहां पे प्रेशर आया तो तुरंत ही इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा। होता क्या है, जैसे ही कुछ ऐसी चीज हुई जिससे न्यूरॉन एक्साइटेड हुआ, तो जो बाहर का सोडियम है वो अंदर जाएगा, अंदर का जो पोटेशियम है वो बाहर जाएगा। तो वहां पे दोनों एटम के फ्री मोमेंट्स होने लगेगी। तो वहां पे से स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी और फिर वो ट्रांसमिट होता है। उसके बगल वाले जो न्यूरॉन होगा उसको वो एक्टिवेट करेगा, वो पूरी चेन हो जाएगी और वो सिग्नल जाएगा ब्रेन तक और वहां से करेक्टिव एक्शन जो है वो पर्टिकुलर पार्ट तक जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से बॉडी में न्यूरॉन की मदद से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। न्यूरॉन के अंदर होता है पोटेशियम, बाहर होता है सोडियम। तो ये है हमारे बॉडी की इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आप सोचिए, अगर ये नहीं होती तो आपका क्या होता? आपको कोई स्विच बार आपको पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता कि कोई कुछ कर रहा है, तो आप कोई करेक्टिव एक्शन ले ही नहीं पा रहे हो। कोई आपका नाम पुकार रहा है, आप तुरंत उसके सामने देखोगे कैसे? आप सुन तो पा रहे हो, लेकिन सुनने के बाद क्या, सुनने के बाद जो करना है उसका सिग्नल तो ब्रेन से ट्रांसमिट होता है। दोस्तों, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। अब इसके अलावा भी ह्यूमन बॉडी में बहुत टाइप्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम जो हमें आंख के सर्कल से मिलते हैं, उसके बाद ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद जो है ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो ब्रेन एक्टिविटी मेजर करता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम। दोस्तों, ये सारी जो है वो ह्यूमन इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ही है जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम बॉडी चीर के ही पता करें कि कोई पार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये जो सिग्नल्स है वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। इसी चीज के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ताकि आपको पता चल सके कि ईसीजी क्या है और ईसीजी से कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसे काम करती है, कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल ह्यूमन बॉडी में जनरेट होता है। तो बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके कि ह्यूमन इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, ये वीडियो को अभी शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। ये वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।